नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पीयूष भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जीएसटी फ्रॉड्स होते हैं आपके साथ में रेस्टोरेंट्स में, वो किस प्रकार होते हैं, आपसे गलत टैक्स लिया जाता है जीएसटी के नाम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखते रहिए। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, तो आपको पता है कि जीएसटी के नाम पर रेस्टोरेंट्स में आपसे एक्स्ट्रा रुपए ले लिए जाते हैं। वो असल में कोई टैक्स के लिए नहीं होते हैं, वो लोग खुद के लिए लेते हैं। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में अवेयरनेस यानी कि हम ऐसे वीडियो बनाएंगे या फिर वैसी बात करेंगे जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि आप इन जीएसटी फ्रॉड्स को किस तरह से पहचान सकते हैं और उनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है जीएसटी नंबर। आप किसी भी रेस्टोरेंट या फिर होटल में जाते हैं और वहां पर आप बिल मंगाते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इस बिल में जीएसटी नंबर प्रिंटेड है। ये नंबर जनरली 15 डिजिट का होता है। अगर आपको बिल में कहीं भी जीएसटी नंबर प्रिंटेड नहीं है तो समझ लीजिए कि वो आपसे गलत जीएसटी के नाम पर पैसे ले रहा है। अगला तरीका है फेक जीएसटी नंबर्स का। जी हाँ दोस्तों, फेक जीएसटी नंबर्स, लोग जीएसटी के नंबर्स फेक प्रिंट करा लेते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि आप उन नंबर्स को किस तरह से पहचान सकते हैं कि वो फेक है या नहीं। यह बात कि जीएसटी नंबर फेक है या रियल, ये आप बस एक वेबसाइट पर जाकर पता लगा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वेबसाइट से आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि जीएसटी नंबर फेक है या रियल। एक बात और है कि इस नंबर का 6th डिजिट अगर पी है तो वह एक इंडिविजुअल है, अगर सी है तो वह एक कंपनी है। तो कुछ ये छोटी मोटी बातें हैं जिनसे आप लोग पता लगा सकते हैं कि जीएसटी नंबर जो है वो आपको उस पर फेक लिखा गया है या फिर कोई गलत नंबर लिया गया है। दोस्तों, थर्ड पॉइंट और करीबन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को देखना होगा कि आपसे कितना परसेंट जीएसटी चार्ज किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए हम कुछ बातें जान लेते हैं। अगर आप नॉन अल्कोहलिक नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो जीएसटी 12% लगेगा। अगर आप अल्कोहलिक एसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो जीएसटी 18% लगेगा। अगर आप किसी टेक अवे काउंटर से खाना लेकर जा रहे हैं तो भी जीएसटी 18% लगेगा। अगर अल्कोहल सर्व की जा रही है तो अल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगेगा, अल्कोहल पर वैट लगेगा जो हर स्टेट का अलग अलग होता है। दोस्तों, अगली बात आती है सर्विस चार्जेस। ये जो आप देख रहे हैं, जो बिल के साथ एज अ सर्विस चार्ज लिया जाता है, इसे देना जरूरी नहीं होता। रेस्टोरेंट का मालिक आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप सर्विस चार्ज दें या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप सर्विस चार्ज बिना दिए वहाँ से जाएँ तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। मालिक का कोई हक नहीं बनता कि आपसे डिलीवरी चार्जेस वो लें। दोस्तों, अगला इशू आता है कि आप इन सभी चीज़ों की कंप्लेंट कहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी की कंप्लेंट आप 1800114000 पर कॉल करके या 8130009809 पर एसएमएस करके कर सकते हैं। आप लोग वेबसाइट जो कि है customerhelpline.gov.in पर जाकर भी कर सकते हैं या फिर इन मेल आईडी पर मेल करके भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी फ्रॉड करने वाले को 100% फाइन हो सकता है जीएसटी के बिल पर और 5 साल की सज़ा हो सकती है या फिर दोनों हो सकते हैं। कुछ टिप्स थी जिससे आप लोग जीएसटी फ्रॉड्स का पता लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे patreon.com/piyushbhardwaj पर जाकर के सपोर्ट कर सकते हैं। अब मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।